हेलो एवरीवन, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल एमजी एजुटेनमेंट। दोस्तों, एनआईओएस के अप्रैल एग्जाम 2022 के 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है जो इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको यहां पर ये बता दूं कि एनआईओएस बोर्ड में अभी हाल ही में हम विजिट करके आए थे। जब हम वहाँ पर एनआईओएस बोर्ड में विजिट किया था तो वहाँ पर हम चाहते थे कि बच्चों के कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनके क्वेश्चंस बार बार हमारे व्हाट्सएप पे आ रहे थे और काफ़ी मैसेजेस स्टूडेंट्स से कमेंट बॉक्स में भी कर रहे थे जिनके इश्यूज का हमारे पास कोई जवाब नहीं था और इनका जवाब सिर्फ एनआईओएस बोर्ड ही दे सकता था। तो हम फाइनली हमने एनआईओएस बोर्ड में कूच करा और वहाँ पर जाके हमने कन्फर्मेशन लिया कि क्या एनआईओएस बोर्ड के अधिकारियों से हमारी एक मीटिंग हो सकती है जिसमें हम कम से कम बच्चों के इन सवालों के जवाब निकाल पाएँ। साथ ही बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसको लेकर एक बहुत बड़ा इशू था कि ग्रेस मार्क्स एनआईओएस बोर्ड इस बार देगा कि नहीं देगा। एनआईओएस बोर्ड इस बार ग्रेस मार्क्स बच्चों को दे सकता है, लेकिन उससे पहले एनआईओएस बोर्ड से हम पहले पूरी कंफर्मेशन लेना चाहते हैं, जिसके लिए हम फाइनली वहां से डेट लेकर आ चुके हैं और बहुत जल्द हमारी एनआईओएस बोर्ड के साथ एक मीटिंग होने वाली है जिस मीटिंग के अंदर हम फाइनली कंफर्म करेंगे कि बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। और रिजल्ट जो है, जो कि एनआईओएस बोर्ड के ऊपर प्रेशर था कि 50% का रिजल्ट निकलना चाहिए, क्या वो रिजल्ट 50% एनआईओएस बोर्ड निकाल पाएगा? और ये सारी बातें जो हैं, ये संशय में, संदेह में, सस्पेंशन में इसीलिए चली गई क्योंकि बच्चों के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना, नाइंसाफी, कुछ भी कह लो, वो सब कुछ इस बार बच्चों को झेलना पड़ा है। देखिए, सबसे पहले मैं यहां पर ये बताना चाहूंगा कि एनआईओएस एग्जाम में जो अप्रैल 2022 के स्टूडेंट्स थे 10th और 12th क्लास के, उनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या थी। सबसे पहला इशू जो था वो बच्चों को ये था कि उनका जो सेंटर था जहां पर उनको हॉल टिकट में उनका एड्रेस मिला था, वो 2 से 3 किलोमीटर या ज़्यादा से ज़्यादा 4 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए था। लेकिन वो सेंटर, काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं वो ये बता रहे थे हमें कि उनका सेंटर जो है वो 150 या 200 किलोमीटर फार अवे पड़ गया फ्रॉम उनके घर से। अब आप सोच सकते हैं कि एक घर से बच्चा निकलता है 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर जाएगा अपने सेंटर पे पेपर देने के लिए, अब वो वहाँ से पेपर देगा, वापस आएगा, वापस आने के बाद अगले दिन फिर दोबारा पेपर देने जाएगा, इम्पॉसिबल। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर स्टूडेंट क्या पेपर देने जाएगा या सफरी करता रहेगा, एक तो बहुत बड़ा इशू ये था। इसके साथ साथ बच्चे ने यह भी बताया कि सर, हम कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जहां पर उनका सेंटर पढ़ा है उन्होंने वहां पे कमरा किराए पे लिया है 1 हफ्ते के लिए 1 महीने के लिए ताकि वो वहीं पर रह के अपनी पढ़ाई कर सकें और पेपर दे पाए। दूसरा एक सबसे बड़ा मेजर पॉइंट ये था कि बच्चों को इस बार बुक्स भी नहीं मिली थी, जिसको लेकर हम पिछले 6 महीने से लगातार वीडियोस बना रहे थे कि एनआईओएस बोर्ड की बहुत बड़ी गलती है, उन्होंने बच्चों को बुक्स प्रोवाइड नहीं करी। बुक्स प्रोवाइड ना करने का रिजल्ट यही है कि बच्चों के पेपर में बिल्कुल भी तैयारी नहीं हो पाई, तो बच्चा पास कैसे होगा। ये दूसरा बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है जो हम एनआईओएस बोर्ड से करना चाहते हैं, जिसका रीजन होना चाहिए कि हाँ, एनआईओएस बोर्ड इस बार बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे या फिर बच्चों को प्रमोशन करे, राइट? ओके, नाउ अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 निकल गया है इन दोनों बातों के बाद। जब बच्चा अपना पहला पेपर देने के लिए अपने हॉल टिकट के अकॉर्डिंग अपने स्कूल के अंदर जाता है, वहां पर बच्चे से पैसे की डिमांड की जाती है। पैसे की डिमांड की जाती है, जो बच्चे पैसे दे रहे हैं उनको बड़ी जल्दी से पास किया जा रहा है, जो बच्चे पैसे नहीं दे रहे हैं वो उसी कमरे में बैठे बैठे और बच्चों को देख रहे हैं, उनका मुंह ताक रहे हैं, वो बच्चे नकल कर रहे हैं और उनको कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। यानी कि बच्चों के अंदर डिस्क्रिपेंसी फैला दी और ये सब कुछ हुआ है एनआईओएस के द्वारा सिलेक्टेड स्कूल्स के अंदर। एनआईओएस बोर्ड से मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि इतने सारे स्कूल्स तुमने, इतनी दूर दूर सेंटर्स बच्चों के डाले हैं, तो क्या तुमने खाक मेहनत करी है, तुमने ऐसे स्कूल्स चुन लिए जहां पर बच्चों के साथ डिस्क्रिपेंसी हो रही है, उनको प्रॉपर तरीके से पेपर टाइम पे नहीं दिया जा रहा है? ये भी एक मेजर पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट है। बच्चों के पास पेपर का जो एग्जैक्ट टाइम होता है, जो हॉल टिकट में लिखा हुआ था एनआईओएस बोर्ड के द्वारा, वो था 2:30 से लेकर 5:30 बजे का, 2:30 से 3:30, 3:30 से 4:30, 4:30 से 5:30, 3 घंटे बच्चे को प्रॉपर मिलने चाहिए ताकि वो अपने पेपर में अच्छे से अटेम्प्ट करके आए। बुक्स तुमने दी नहीं, बच्चा जैसे तैसे पढ़ के अपने पेपर देने के लिए 250 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर जाकर अपने फैमिली से अलग होके एक एक महीना रह के आ रहा है और पेपर करके आ रहा है, और वहां पर बच्चों के साथ डिस्क्रिपेंसी की जा रही है। वहां पर बच्चे को पेपर दिया जा रहा है 4:30 बजे, पेपर दिया जा रहा है 5 बजे, इतने बजे पेपर शुरू हुए हैं। जी हाँ, मेरे पास लाइव प्रूफ्स पड़े हुए हैं मेरे फोन के अंदर और मैं इन वीडियोस को वायरल जरूर करूंगा एक बार बच्चों के एग्जाम्स हो जाएं। हाँ, कुछ बच्चों की आइडेंटिटी मेरे को छुपानी पड़ेगी क्योंकि बच्चों ने पूरा डिटेल, स्कूल की फोटोज वगैरह सब कुछ हमें भेजी है, जिसमें साफ क्लियर है कि बच्चे के पेपर जो है वो 5 बजे 4:30 बजे डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं क्लास के अंदर। और इससे भी बड़ी बात, पेपर का जो टाइमिंग है, अगर तुम 4:30 बजे बच्चे का पेपर दे रहे हो करने के लिए उनको, तो 4:30 के हिसाब से 5:30, 6:30, 7:30 बजे तक का बच्चे को पेपर करने का टाइम देना चाहिए। 5:30 बजे 6 बजे बच्चों से पेपर भी ले लिए, यानी कि एक तो बुक्स तुम नहीं दे रहे हो, 250 किलोमीटर सेंटर्स डाल रहे हो, साथ में जब बच्चा पेपर करने के लिए बैठ रहा है तो उसको सिर्फ 1.5 घंटे का पेपर करने के लिए दे रहे हो, वो भी इतना बड़ा पेपर। और उससे भी बड़ी बात,
काफी सारे स्टूडेंट्स का इस बार हम लोगों का ये मानना था कि बच्चों को इस बार जो क्वेश्चन पेपर आएगा बहुत इजी आएगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, सिंपल पेपर होगा, बच्चा आराम से अटेम्प्ट करेगा क्योंकि एनआईवीएस बोर्ड सपोर्ट करेगा इस बार बच्चों को, क्योंकि बच्चों को बुक्स नहीं मिली। लेकिन हुआ क्या, नतीजन हुआ यह कि जब बच्चा अपना पेपर देखता है तो उसके पेपर में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो जनरल होते हैं, यानी कि ना किसी बुक से आए हुए हैं, ना किसी कुंजी से, किताब से। बच्चा अगर पढ़ के जा रहा है तो वो किसी भी कीमत पे वो पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकता। बच्चा वही पेपर अटेम्प्ट कर पाएगा जिसने पूरे चैप्टर्स पढ़े हों। और इसी वजह से जितने भी YouTube पर हम लोग, जितने भी अदर चैनल्स हैं जो लोग बच्चों को हेल्प करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने के लिए, वो सब अब बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि कुछ भी पता नहीं चल रहा कहां से पेपर बन के आ रहा है। और ऐसी सिचुएशन के अंदर NIOS बोर्ड को क्या बच्चों को ग्रेस नहीं देना चाहिए? बस इन सभी सवालों के जवाब हमें NIOS बोर्ड से लेने के लिए हमने मीटिंग का डेट फिक्स करना है, और फिक्स करने के बाद हम NIOS बोर्ड से फाइनली एक पिटीशन लगाएंगे हम बच्चों के तरफ से, बच्चों के बिहाफ से, कि NIOS बोर्ड बच्चों के साथ ऐसी नाइंसाफी नहीं कर सकता, बच्चों को हेल्प करनी पड़ेगी, बच्चों को ग्रेस मार्क्स देना पड़ेगा। और जिन स्टूडेंट्स के साथ पेपर में बहुत ज्यादा नाइंसाफी हुई है, बहुत ज्यादा दिक्कत आई है, मैं उन बच्चों से एक गुजारिश करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को सपोर्ट करो, ताकि हम लोग और अदर यूट्यूब चैनल्स जो कि NIOS बोर्ड पे वीडियोस बनाते हैं वो भी हमारे साथ आए इस मुहिम में, और आप लोगों को कम से कम कुछ हक तो मिले। ना बुक्स मिली है, स्टडी सेंटर्स दूर डाल दिए, बच्चा पेपर नहीं कर पा रहा है, पेपर टाइम से नहीं लिए जा रहे हैं बच्चों के, 2:30 बजे का पेपर 4:30 बजे हो रहा है, और उसके बाद भी जनरल पेपर दिया जा रहा है बच्चे को, जबकि बुक्स नहीं दी। अगर बुक्स हो, बच्चा प्रॉपर तरीके से पढ़ाई किया हो तो फिर भी वो कुछ ना कुछ लिख कर आ सकता है, बिना किताबों के बच्चे से जनरल क्वेश्चंस पूछ लिए और पेपर नहीं कर पा रहा है बच्चा, तो सोच के देखिए ये एक गलत इन्फॉर्मेशन या गलत चीज़ नहीं है NIOS बोर्ड की तरफ से। तो NIOS बोर्ड को इस बार बच्चों को ग्रेस मार्क्स देनी ही पड़ेगी, और इसके लिए हम NIOS बोर्ड से हर तरीके से गुजारिश करेंगे, और इसी के लिए हम बहुत जल्द NIOS बोर्ड में कूच करने वाले हैं एक मीटिंग के लिए, और उसको लेकर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी जो वहां से आएगी वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आने वाली 2 या 3 दिन के अंदर वो वीडियोस लॉन्च करेंगे, और उस वीडियो में आप लोगों तक पहुंचाएंगे कि आखिर इन सवालों के जवाब NIOS बोर्ड ने किस मुंह से दिए हैं, और ये सब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करूंगा। आप लोगों से गुजारिश सिर्फ एक ही करूंगा, क्योंकि मुझे चाहिए आप लोगों का सपोर्ट, और आप लोगों से एक और गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पे नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी, हो सकता है 2 या 3 वीडियोस मेरे को और डालनी पड़े, क्योंकि NIOS बोर्ड इतनी आसानी से किसी भी बच्चे की पिटीशन को, हमारी पिटीशन को, किसी भी बात को नहीं मानता है। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारी इस चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी सभी वीडियोस आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे, और साथ के साथ मैं आप लोगों से सपोर्ट लेकर NIOS बोर्ड से कम इन सभी सवालों के जवाब ले पाऊं जिसके हकदार आप लोग हैं, राइट। इसके अलावा एक बात और छोटी सी बताना चाहूंगा कि NIOS बोर्ड अप्रैल 2022 के जो फाइनल एग्जाम्स जो अभी चल रहे हैं, 2 या 4 और एग्जाम्स रह गए हैं जो बच्चे देंगे 30 अप्रैल तक फाइनली, इनका जो रिजल्ट आने का जो टाइम है वो है जून की 14 या 15 तारीख के आसपास का। हम यहां पर इस बारे में भी बात करना चाहते हैं कि बच्चों के रिजल्ट से पहले बच्चों की चेकिंग जो है वो नॉर्मल की जाए, और बच्चों को कहीं ना कहीं ग्रेस मार्क्स देके पास किया जाए, क्योंकि उन्हें भी ये जरूरत है कि बच्चा 50% पास होना चाहिए उनके सेशन के, क्योंकि अप्रैल सेशन के बच्चों का 50% रिजल्ट निकालना NIOS बोर्ड की इस बार जिम्मेदारी बन चुकी है। साथ ही सिचुएशन अभी जो है कोविड को लेकर बहुत ही ज़्यादा भयानक हो चुकी है, बच्चे ऐसी स्थिति में पेपर देने जा रहे हैं तो NIOS बोर्ड को ज़रूर सोचना चाहिए। और 113 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बच्चे मुझे कांटेक्ट कर चुके हैं और वो ये बता चुके हैं कि पेपर के दौरान उनको कोविड हो गया है, अब वो बाकी के पेपर नहीं दे सकते क्योंकि डॉक्टर्स ने उनको क्वारंटाइन करा दिया है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो बच्चों के 4 या 5 या 3 पेपर जो भी रह गए हैं, क्या NIOS बोर्ड इन पेपर्स के अंदर बच्चों को ग्रेस मार्क्स देके पास करेगा या इन बच्चों के साथ इंसाफ करेगा या नहीं करेगा? ये सारे सवालों के जवाब हम अपनी अगली वीडियो के अंदर आप लोगों तक पहुंचाएंगे। पहले हम जाएंगे NIOS बोर्ड और वहां से ये जानकारी लेकर आएंगे कि NIOS बोर्ड इन सवालों के क्या जवाब देता है। तो दोस्तों प्लीज चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और उन तमाम स्टूडेंट्स तक शेयर कर दीजिए जिन लोगों को इन सवालों के जवाब नहीं मिल पाए हैं और वो इन सवालों के शिकार हो गए हैं, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद उनको एक राहत मिले, हमारे साथ वो इस मुहिम में आ पाए। जितने ज्यादा स्टूडेंट्स का बंच होगा उतना ज्यादा NIOS बोर्ड प्रेशर में आएगा और हम उनसे आंसर ले पाएंगे। दोस्तों लास्ट तक फाइट करूंगा आप लोगों के लिए, इस बार हम चाहते हैं कि हर बच्चे को ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए। बाकी मैं आपसे एक लाइन और बोलना चाहूंगा कि जिन बच्चों के साथ ये हादसा हुआ है, जिन बच्चों को ये क्वेरीज है, प्रॉब्लम्स है, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, हमें कॉल कर सकते हैं और आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, ताकि हो सकता है आपका कोई ऐसा सवाल हो जो मैं इस वीडियो में
ना बोल पाया हूँ, मैं उस सवाल को अपने इस मुहिम में ऐड करूंगा और साथ में एनएमएस बोर्ड पे जब हम बात करने जाएंगे तो आपकी बात को भी वहां पर रखा जाएगा। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगली वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए, इसलिए बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लेना। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।